Hey guys, कैसे हो आप सभी लोग। सबका वेलकम है कार फसल सिमुलेटर की एक और एपिसोड में। अभी अपन सीधा चलते हैं नेवरवुड से। आज अपन कुछ गाड़ी को बाय करेंगे और मैंने सुप्रा एंड एक और गाड़ी को सेल में लगाया था तो उनको भी चेक करना पड़ेगा। पर पहले इधर चेक कर लेते हैं बॉक्स बोटल, इसका प्राइस कितना है 29,000। सो इसको मैं ऑफर देता हूँ दादी जी को 25,000 का। दादी जी सही ऑफर है आपके लिए, मान जाइए। दादी जी तो मान गए इसलिए। अरे यार चलो इसको मैं पहुंचा दिया मेरे ऑफिस के सामने। ये कौन सी गाड़ी है देखते हैं अपन। ऑडी Q7 कितना बोल रही है। अबे मैंने अच्छा खासा गाड़ी को बाय किया था, चल तू 7,000 में दे दे, ये तेरे लिए बेस्ट प्राइस है। मान ये तो मान नहीं रहा, चल तू तेरे गाड़ी को तेरे पास ही रख, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे मैं सोच रहा हूँ मैं उधर से, अरे ऑफिस क्लोज होकर रखा है, कोई आएगा भी नहीं। एक सेकेंड इसको भी चेक कर लेते हैं। NG5 स्टेशन वैगन 51,000। इतना पैसा मेरे पास है नहीं, इसको शायद खरीद सकते हैं अपन। होंडा VCV इसको तो मैंने पहले भी लिया था, इसकी प्राइस बहुत ही कम होता है, तो इसको मैं 2,000 का ऑफर देता हूँ। चलो इसने दे दिया है। इसी गाड़ी को लेकर अपन नेबरहुड चेक कर लेते हैं। चल के जाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। ओके ऑडी है इधर, ओए पीछे से कौन ठोकता है। चलो इसको चेक करते हैं, ऑडी TT। अब इसकी प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा होगा, 37,000। क्या करूँ इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास, लेने का मन तो है पर पैसा नहीं है। चलो अपन सीधा ऑफिस चलते हैं, फिर आके इनको देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेट्स गो, अपन आ चुके हैं इधर ऑफिस को। मैं जब तक खोलूँगा नहीं तब तक कस्टमर भी नहीं आएगा, सो मुझे जल्दी से ऑफिस को खोलना पड़ेगा। कमान ऑफिस को खोल नहीं सकते तू पागल कहीं के। चलो इसको सेल करके शायद ज़्यादा पैसा मिल सकते हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ी की तरह लग रहा है, मतलब एंटीक कार। देखते इसको भी लगा दिया मैंने, एक कस्टमर तो उसके लिए आ चुका है सुप्रा के लिए। अबे खड़ा हो जा। चलिए आप बताइए, 80,000 का प्राइस है, बहुत ही सस्ता है आपके लिए। 78,000 दे रहा है, चलो तू मुझे 79,000 दे, मैं मान जाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन है। चलो मान गया ये। एक झटके में अपने पास कितने सारे पैसे आ चुका है, इसको भी मैं लगा देता हूँ। बोटल जैसा कार, पता नहीं इसका नाम क्या है, इसके लिए भी कस्टमर आ चुका है। अब तो कस्टमर की भीड़ लग रहा है। बॉटल गाड़ी को अपन ने लगा दिया है, इसको 25,000 में बाय किया था तो 50,000 का प्राइस रखते हैं। ऑडी Q7 40,000 का प्राइस है, 14,000, मैं 40,000 बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए आप, इससे मैं बर्गेन कर सकता हूँ, पर एक सेकंड पहले मैं इससे भी बात कर लेता हूँ। देख रहे हो ये डायरेक्टली इतना ज़्यादा दे रहा है, चल तू मुझे दे 13,000। चलो मान गया ये। इसकी हालत कैसा है, 44% डैमेज होकर रखा है, तो इसको ले जाकर मैं रख देता हूँ रिपेयरिंग के लिए। कार मार्केट प्लेस इज ओपन, उधर भी चलना पड़ेगा हमें, शायद कोई सुपर कार मिल जाए। और अभी अपने पास $1,00,000 भी आ चुका है, मतलब धीरे धीरे पैसा तो बढ़ रहा है। अरे इस गाड़ी के लिए भी कस्टमर आ चुका है, अरे बहुत ही जल्दी कस्टमर आ रहा है। बॉक्स तो अगेन बॉटल, नाम क्या है इसका, क्या ही नाम रखा मैंने, मतलब मैंने तो नहीं रखा, इसका नाम ही ऐसा है। ए दे रहा 34,000, इसने कितना बताया था, ए दे रहा 37,000, और तू बता ये शायद ज़्यादा दे सकता है, पता नहीं 36,000। ये गाड़ी का डैमेज होकर रखा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरे अभी मैं देख भी नहीं सकता, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, लोग इजीली मान जाएंगे। चलो अभी इसके साथ अपन बर्गेन करते हैं। इसको मैंने 25,000 में बाय किया था तो 40,000 अच्छा चीज़ है। कमान मान जाइए आप, यस चलो ये भी मान गया, उसका काम अभी तक चल रहा है। फटाफट अपन चलते हैं कार मार्केट प्लेस। आज कौन सा गाड़ी है सामने, ये लैम्बोर्गिनी, पर इसको अपन बाय नहीं कर सकते, लैम्बोर्गिनी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, 5,00,000। भाई साहब इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है, अपन थोड़ा सा सस्ता गाड़ी को बाय करेंगे। ये शायद मुझे ऑडी लग रहा है, ऑडी S5 25% डैमेज होकर रखा है, सो इसको मैं बर्गेन करता हूँ। चल तू 70,000 में मान जा, ऑल राइट मान जाएगा शायद, या मान गई है गाड़ी है, 25% डैमेज होकर रखा था तो इसको मैंने भेज दिया। ये कौन सी गाड़ी है, देखने में अच्छा लग रहा है, 500 मिनी, डैमेज वगैरह कुछ नहीं है, पर इसकी प्राइस ज़्यादा बोल रहा है। थोड़ी देर बाद आकर मैं चेक करता हूँ, इसको तो नहीं लेंगे। ये भी क्या ऑडी है, नार्सिडिस स्कोप, मतलब मार्सिडिस को नार्सिडिस करके रखा है। अबे यार डैमेज वगैरह कुछ नहीं है, क्या मैं इसको बाय कर सकता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं और चेक कर लेता हूँ।
तो फिर आकर अपन उसको बाय करेंगे। पैसा तो है मेरे पास, ये भी सेम गाड़ी लग रहा है, कोडा ऑक्टा। नहीं रुक जाए यार, सारी गाड़ी ये तो सेम गाड़ी है, 16,000 में दे रहा है ये। इसको अपन ले लेते हैं, 14,000 का इसको ऑफर देते हैं, मान जाए शायद ये। या मान गया इजीली। कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ मुँह क्यों हो जाता है गाड़ी को बाय करने से। इसको मैं भेज देता हूँ ऑफिस के सामने, बाकी ये सब खुदू से गाड़ी है। मेरे को इसको भी बाय करना था, कौन सा गाड़ी था ये वाला लास्टिस कूप। इसको मैं ऑफर देता हूँ 85,000 का, चल मान जा, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। मान गया ये, क्या मैंने ज़्यादा पैसे से बाय कर लिया। अरे यार अब तो मुझे भी शक हो रहा है, डैमेज वगैरह कुछ नहीं है, क्या कर दिया मैंने, पता नहीं मैंने क्या किया है। ये भी डैमेज नहीं है, 18,000 का बोल रही है। तो भी अपन ऑफर देते हैं, चल ठीक है तू 16,000 में दे, मान जा। यस ये भी मान गया। इसको अपन भेजते हैं ऑफिस के सामने। अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है और स्किल भी आ चुका है एक, पर एक स्किल पॉइंट से काम नहीं बनेगा, इसके लिए भी 2 लगेगा और इसके लिए भी 2 चाहिए। तो अपन एक और स्किल पॉइंट का वेट करते हैं, इसलिए अपन सस्ती सी गाड़ी को भी बाय कर लेंगे। बाय करके मैं सेल कर सकता हूँ, बाक रेगर 76,000 इस गाड़ी का। ये तो खुद सी लग रहा है गाड़ी, इसकी प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है। सीवेट C10 कितने में दे रहा है ये, चल तू इसको मुझे 7,000 में दे, मान जाएगा शायद ये। यस अरे नहीं माना, 7,500 इसमें तो मान जा, चलो मान ही क्या। इसकी हालत डैमेज वगैरह कुछ नहीं है, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ पर पहुँचाऊँ, मुझे ही आकर ले जाना होगा। अरे भाई कितने गाड़ी को मैंने बाय किया है, फटाफट इसको अपन लेके चलते हैं। इसको मैंने 97,000 से बाय किया था, इस गाड़ी में खास क्या है देखते हैं, क्योंकि इसका स्पीड बहुत तेज़ है। ऑल राइट, अरे अरे उल्टा क्यों जा रहा हूँ मैं, इसकी स्पीड दे रहा हूँ, एक झटके में 100 के ऊपर चला गया। अच्छा है, इसको अगर मैं मॉडिफाई करवा दूँ तो और भी अच्छा होगा। चलो इसको लेकर मैं आ चुका हूँ इधर। अरे रात हो गई इतना जल्दी, अभी सारे लोग निकल चुका है, पर इसको मैंने रिपेयर के लिए लगाया था तो इसकी काम हो चुका है शायद। यस तो इसको अपन बैक लेते हैं, लगाते हैं अपनी ऑफिस के सामने। रात के टाइम भी हमें ये सब काम करके रखना होगा, और शायद अपन आज भी ड्रैग रेस के लिए जा सकते हैं। अरे अरे भाई कहाँ जा रहा है, फिसल के इतना दूर आ गया ये होमलेस बंदा, मेरा कार को साफ कर दिया। पर ओवल स्किल को अपन अभी अनलॉक नहीं कर सकते, ये तो डैमेज नहीं है, सो इसको भी रखते हैं अंदर। धीरे 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 धीरे, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, इसको भी रख दिया। और इस गाड़ी को चला कर एक बार देख लेते हैं, सेम गाड़ी है, देखते इसके स्पीड वगैरह कितना है। अरे तो काफ़ी स्लो पिकअप है इसका, अबे यार इसकी पिकअप बहुत ही स्लो है, किसी काम का नहीं है। अब पता नहीं इसको सेल कर मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं, बहुत ही स्लो पिकअप है। उम्मीद है कोई बाय कर ले बस, क्योंकि मेरा बर्गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो शायद अपन इसको ईजिली सेल कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फोटो है इनको डिलीट करते हैं और इनका फ़ोटो लेते हैं, इसको ले लिया, इसको भी ले लिया। और वो तो सेम गाड़ी है तो फोटो लेने की ज़रूरत नहीं, तीनों को लगाते हैं सेल में। होंडा विजी भी एवल आए, इसको मैंने 2,000 में बाय किया था होंडा, और इसकी प्राइस रखते हैं अपन 6,000। ये मिनी वाला 500 मिनी, तो मिनी का फ़ोटो दे दिया, 40,000 में बाय किया था, इसकी प्राइस अपन रखते हैं 30,000। इसको भी मैंने 16,000 में बाय किया था, तो 30,000 का प्राइस रखते हैं, और इसको भी लगा दिया सेल में। तीनों गाड़ी को अपन ने लगा दिया है, ये वाला गाड़ी भी सही है, इसको भी मैं सेल में ही लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करके ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा भी चाहिए, बाद में अपन सुपर कार को बाय कर पाए। ये भी शायद सुपर कार ही है, पता नहीं, मर्सिडीज़ अच्छी गाड़ी है, पर इसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, और इससे अपन डबल प्रॉफिट भी कर सकते शायद। इसको थोड़ा सफाई की ज़रूरत है, फटाफट साफ करते हैं फिर अपन फ़ोटो खींचेंगे। चलो इसको मैंने साफ कर लिया है मर्सिडीज़ को, पीछे से फ़ोटो ले लिया, इसको भी फटाक से लगाते सेल में। क्या ही टाइप हो गया, डबल डबल ही आ चुका है, कोई नहीं। जो भी हो इसको मैंने बाय किया था 85,000 में, सो इसका प्राइस मैं सेट करता हूँ 1,60,000। लगा दिया इसको भी सेल में, रात के टाइम पे करने के लिए कुछ है नहीं, सो आज भी जाकर अपन सो जाते। चलो गाइस एक और नया शुरू हो चुका है, और उस बंदे ने अपनी वो खोल दिया, ऑफिस क्लीन कर दिया, मैं बोल रहा खोल दिया है। चलो क्लीन वगैरह कर दिया इसने, ऑफिस तो ओपन ही है सुबह से ही, फटाफट से अपन इनको साफ कर लेते थोड़ा सा, जो भी धूल वगैरह है, ताकि अपन इनको महंगा बेच पाए।
ऑक्सन होगा आज 2 बजे, कस्टमर तो आ चुका है। इसको मैंने बाय किया था 2000 में, इसकी प्राइस मैंने सेट किया 6000। ये देख कितना रहा है, बहुत ही कम दे रहा है ये। अरे कहाँ पर चला गया, इसके पास पहुँचू कैसे? हेलो, ये कितना दे रहा है? होंडा VCV का नाम है शायद, होंडा सिविक पता नहीं, ये तो और भी कम दे रहा है। ये ज़्यादा दे रहा है, इसको मैं ऑफर देता हूँ 3500 का। चल मान जा, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। या मान गई है। अभी किसके लिए गाड़ी आए? ओके मिनी के लिए आ चुका है। 30000 का प्राइस है, ये कितना दे रहा है? 60000। अबे मैंने इतने भी बाइक है इसको, थोड़ा सा ज़्यादा तो दे। ओके मार्सिडीज के लिए आए, 1 लाख दे रही है। अबे 1 लाख में कैसे काम बनेगा, 1,20,000 दे तो फिर मैं दे दूंगा। नहीं चल थोड़ा सा वेट करते अपन। ये किसके लिए आए? मार्सिडीज के लिए, ये भी मार्सिडीज चाहिए इसको। ये तो 90000 दे रहा है। अबे यार 85000 में मैंने बाइक किया है। ये आए मिनी के लिए, ये कितना दे रहा है? इन सबको पता कैसे है गाड़ी का प्राइस कितना है? अरे बहुत ही कम दे रहा है, प्रॉफिट तो नहीं बन रहा। एक और दीदी जी आ चुका है इस मिनी के लिए, मिनी से फ़ायदा नहीं हो रहा ज़्यादा। कितना दे रहा है ये? ओके ये थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, शायद मान सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको 20000 का ऑफर देके दिखता हूँ, मान जाए शायद। कमान मान जा। ऑल राइट 20000 में सेल हो चुका है, इसके लिए भी काफ़ी कस्टमर आ चुका है मिनी के लिए। उसको मैंने 20000 में सेल किया है, इसको भी मैं 20000 में सेल करूंगा, मतलब 20000 में। चलो तू भी मान जा, क्योंकि अभी अभी मैंने सेल किया है। ये तो मान नहीं रहा, इनको देखते हैं, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा दे रहा है। सो इसको अपन बोल के देखते हैं 21000 का, शायद ही मान जाए। यस ये भी मान चुका है। बाकी ये तो खड़ा है मार्सिडीज के लिए। अरे मार्सिडीज का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, चल 1,10,000 में दे। अरे भाग क्या, सुनने से पहले ही भाग गई ये। जरा बच चुका है, मुझे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि कार ऑक्शन होने वाला है आज। क्या तूने इसको रिपेयर कर दिया? अरे अभी तक रिपेयर ही नहीं किया ये। कस्टमर तो आ रहा है, ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। वैसे मेरे को एक ट्रिक पता चला है, अपन पीछे से जाकर देख सकते हैं कौन सी गाड़ी है। सारे कस्टमर चला गया, चलो इसको लेके अपन सीधा चलते ऑक्शन वाली जगह पर। ओए पीछे से कितने सारे गाड़ी आ रहा है, अभी ठुक जाता। मतलब थोड़ी देर पहले मैं रिपेयर करके लाया हूँ गाड़ी को। अबे जाओ ना तुम लोग, अरे कितने आ रहा है, लाइन करके गाड़ी जा रहा है। ये लोग शायद जा रहे हैं ऑक्शन के लिए, पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। खैर जो भी हो, देखते हैं मार्सिडीज के लिए कस्टमर तो आ चुका है। कितना बोलते हैं ये लोग, पैसा तो मुझे चाहिए। अबे थोड़ा ज़्यादा बोलना, 82000, पागल है क्या? मैंने 85000 में इसको बाय किया है। ये दीदी शायद ज़्यादा दे सकता है, देखते हैं। ओके 1,10,000 आपके लिए बेस्ट ऑफर। ऑल राइट मान चुका है, ले भी लिया। सो अभी अपन चलते हैं ऑक्शन वाली जगह पर, ऑक्शन शुरू होने ही वाला है। मैं एक बार पीछे से जाकर चेक कर लूँगा इसके अंदर कौन सी गाड़ी है। ये वाली ट्रिक मुझे पता चला है। अबे अबे रुक जा। तो गाइस अपन ऐसे देख सकते हैं कौन सा गाड़ी है, समझ तो नहीं आ रहा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं ये कौन सा गाड़ी है। अरे दिख क्यों नहीं रहा, फेरारी टाइप का कुछ लग रहा है। आगे देखते हैं अपन, ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है यार, मेरे देखने के चक्कर में ऑक्शन ख़त्म ना हो जाए। समझ तो नहीं आ रहा कौन सा गाड़ी है। कोई नहीं चलो चलते अपन ऑक्शन के लिए, ऑक्शन से ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, फिर भी अपन बैठ जाते हैं। वही टिकट दे मुझे, अरे टिकट दे। चलो भाई अपन आ चुके इधर, कौन सा गाड़ी है? ऑडी TT 31000 तक गया है, 32000। अबे कौन लेके जा रहा है इतना ज़्यादा, ओए तब के खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। और भी लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? 33000 लेके चला गया। अबे कौन बढ़ा रहा है इसकी, चलो अभी भी कोई बढ़ाया जा रहा है। ओके मेरा हुआ, यह है वोल्क्सवैगन गोफे। इसको मैंने कितने में बाय किया था याद नहीं है, डैमेज होके भी रखा है थोड़ा सा। ओके कौन बढ़ा रहा है इतना, पर मैं इसको स्किप करूंगा, ये वाला गाड़ी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो अपन इस वाली गाड़ी के लिए वेट करेंगे 3 नंबर गाड़ी के लिए। अरे ये तो अच्छा नहीं है, तो बेकार सा गाड़ी है। अरे यार नहीं, अच्छा गाड़ी है, इसकी प्राइस देख रहे हो? अरे यार मैंने इसके लिए वेट किया था, पर मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। ये भी शायद किसी तरह का सुपर कार है, क्योंकि इसकी प्राइस देख रहे हो कितना जा रहा है, 1,93,000 चला गया। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गया है। अभी देखते हैं कौन सा गाड़ी है, ये ऑडी S5। अरे यार
चलो इसको भी बाय कर लेंगे अपन। कौन है? अरे कौन बढ़ा रहा है? गोली मार दूंगा उसको मैं, और तो कोई मत बढ़ा। अरे यार कितना लेके जाओगे तुम लोग? 17,000 पहुंचा दिया। अरे भाई मुझे भी प्रॉफिट लेना होगा। चलो अब शायद मैं इसको ले लूँगा। कमान कोई भी हाथ मत उठा। ओके अपने दो गाड़ी ले लिया है। अरे ये तो ऑडी S5 है मेरे पास, दोनों ही सेम गाड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ। इसको मैं सेंड करता हूँ अपनी ऑफिस के सामने। ऑडी TT को मैं चलाऊँगा। इसको भी सेव कर, इसको भी सेंड करना पड़ेगा। ऑडी TT थोड़ा सा डैमेज होकर रखा है। ऑलराइट इससे अपन ड्रैग रेस कर सकते हैं, तेज है थोड़ा। इसको अपन मॉडिफाई भी करवाएंगे फटाफट से। इसको लगाते इधर, चल तू रिपेयर में लग जा। क्या मैं गाड़ी के अंदर से जा सकता हूँ? यस गाड़ी के अंदर से अपन आ चुके। ये क्या हो रहा है, कहाँ पर फंस गया मैं? इसको लगे दिया ऑडी S5 को। अबे रात होने वाला है थोड़ी देर में, कुछ नहीं कर सकता हम, रात हो भी चुका है। दोनों ही ऑडी S5 को मैंने लगा दिया है। बस इसको अपन क्लीन कर लेते हैं, फिर अपन रात के टाइम पे नहीं ड्रैग रेस नहीं कर सकते। ऑडी TT है मेरे पास, पर नॉस के बिना ड्रैग रेस करना बेवकूफ़ी होगा, नॉस के बिना जीत नहीं सकते। खींच लिया फोटो, लगाते हैं इसको। 17,000 में मैंने इसको बाय किया था, तो डबल प्राइस के आसपास रखते हैं 35,000, लोग शायद मान जाए। इसको भी लगाते हैं 35,000 का। मेरे को चार गाड़ी दिखा रहा है, तो फिर मेरे एक गाड़ी है कहाँ पर? ACV10 क्या ये ऑक्सीजन वाली जगह पर है? अरे यार यह ऑक्सीजन वाली जगह पर नहीं, कार मार्केट पे है शायद। यस ये है मेरे गाड़ी इधर पड़ा हुआ है। अरे भाई साहब मैं तो बाय करके भूल गया था, इसको डैमेज वगैरह कुछ नहीं है। सो इसको अपन लेके ही चलते हैं। रात के टाइम पे कोई प्रेशर नहीं है, अपन इजीली काम वगैरह कर सकते हैं, ट्रैफिक भी नहीं कुछ नहीं। इसको भी इधर रख दिया, साफ करते इसको, फिर इसको भी लगा देंगे सेल में। इसका फोटो लेते पीछे से, लगाते इसको सेल में। इसको मैंने 7,500 में बाय किया था, डबल प्राइस 15,000। तीनों गाड़ी को लगा दिया है। अरे सुबह क्यों नहीं होता, समझ नहीं आ रहा। चलो आज भी अपन सो जाते हैं,